देखो क्या कैसे हो। एक क्या दिया हुआ है, एक रिंग है, और नीचे आइडियल किसे जनरेट हो रहा है, मेरे भाइयों वालों किससे हो रहा है बताओ। आवाज सर, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे डरना नहीं है, आराम से। सबसे देखिए कम डिग्री का कौन सा पॉलीनोमियल है, ये है। देखिए इसका कितना मल्टीपल यहाँ पर छुपा हुआ है, ये आइडियल का मतलब क्या, जैसे हम लिखते हैं ट्यूब में न्यूट्रल और ट्यूब में बेटर, इसका मतलब हो गया आर वन ए वन प्लस आर टू ए टू, यू है ना, आर वन आर टू ग्राउंड से धरिंग जो होता है ना मेरे प्यारे मारे भाई बहन, आवाज तो दिस इज दिस। अब इस टाइप की चीजें अगर आ गई तो यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा। अब इफ यू कंसिडर दिस, इसका मल्टीपल डिजिट से आएगा प्लस इसका मल्टीपल डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए तो कि है क्या इसका मतलब, राइट। देखिए यह इसका मतलब, ये आपका ये क्यों ए टू ये के, और जिसका मतलब ये हो। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा देखिए क्या इसका कुछ मल्टीपल्स तो यहाँ पर है क्या जो ज्यादा डिग्री का। जनरली जैसे हमारे पास अगर ये फील्ड होता एफ, अगर फील्ड होता जहाँ जेड है ना, यहाँ अगर फील्ड होता तो हमें पता है कि ये किसे जनरेट होता है, अगर फील्ड होता तो किसे जनरेट होता ये, एनीवन या एग्जैक्टली, वेरी गुड, जिसे भी बताया था ना, क्यों, क्योंकि ये पीआईडी होता है, राइट। गुड, इन सो दिस इक्वल टू दिस, इफ आपके जेड के जगह पर, जेड के जगह पर कोई फील्ड होता, जेड के जगह पर क्या होता है कोई फील्ड, लेकिन जेड पी आई जेड एक्स पी आई डी नहीं है, तो हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि सिंगल एलिमेंट से जेनरेट होगा, तो कैसे करें, तो कैसे करें ये समझना। तो ठीक है जेड एक्स है अच्छी बात है, कल या तो कुछ देगा जेड सिक्स दे देगा, सेट फोर दे देगा, कुछ भी दे गोली मार देगा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें ये देखिए कि ये जो पॉलीमर जो ज्यादा डिग्री का होगा क्या उसके अंदर इसका कुछ मल्टीपल है, क्योंकि आइडियल जनरेट कर रहे हो ना इससे, आइडिया जब जनरेट कर रहे हो तो इसका जो मल्टीपल्स आप लोगे वो कुछ मल्टीपल यहाँ भी उसको हटा सकते हो, तो ऑलरेडी इसके अंदर आता है, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको लिखना है, आराम से उस बड़े को देखो, मन करे थोड़ा डिविजन भी लगा दिए तो थोड़ा इसको देखे, अच्छा ठीक है चलिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, दिख रहा है कुछ उस टाइप का, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दो लिखा, फिर अब टू एक्स स्क्वायर था, एक एक्स स्क्वायर बचा, फिर से एक एक्स बचा, और फिर वन चाहिए तो बाद में वन लिखा और प्लस पांच बचे, अब यहाँ से एक्स कॉमन कर लो और यहाँ से वन पाओ, एक्स प्लस वन कॉमन हो जाएगा, जब अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एम आई राइट एवरीवन, दिख रहे हो सर आवाज से, एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से एक्स एक्स के साथ रख दोगे, एक्स के साथ इसको बना कर वही आएगा और वन के साथ इसको बना कर वही आएगा प्लस वन, इज दैट क्लियर, हेलो आवाज दीजिएगा, ये समझ में आया कि नहीं आया। स्टेप्स देखिए, स्टेप सोचना कैसे है, आंसर तो मत चाहिए, आंसर वो इन सब का आंसर अच्छा है, आंसर गलत होगा सही होगा वो बात की बात है, आपका तरीका सही होना चाहिए, ओके आंसर बात होगा वो आ जाएगा। सो ये और इन जनरल दिमाग दिमाग ब्लैंक हो गया, जैसे ब्लैंक हो गया एग्जाम में तो एकदम सोचना ही बंद खत्म, तब क्या कुछ नहीं, ठीक है जेड एक्स है वहां डिविजन एल्गोरिथम होल्ड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं ब्लाइंड कर देंगे इससे, ये जो दियो ज्यादा आता है सीखेंगे ना,
वन, आगे पांच, इसका मतलब ये एक्स की प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स। मेरा किस्मत अच्छा था या कोफिशिएंट हमें इंटीजर्स मिल गया, समझे कि नहीं समझे। जेड एक्स में किसी कॉलम दो कॉलम को डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट इंटीजर मिले, रिमाइंडर इंटीजर्स वाले कोफिशिएंट मिले, कोई जरूरी नहीं है। या हम लोग लकी थे मिल गए, एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन देगा ना जो थोड़ा सा सोचे और बन जाए, ऐसा थोड़ी देगा कि माथा पटक रहा है तो ही नहीं बन रहा है। ऐसा ही देगा कि अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे सही दिशा में तो 100% चांस से बनेगा आपसे। इजी टाइप का क्वेश्चन था, याद रखें आवाज देंगे सभी को, क्लियर हुआ कि नहीं। आई हो आवाज है, सो दिस एक्स टू प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिस। अब इस चीज को मैनिपुलेट कीजिए, तो आप देखिए ये देखने में इतना लंबू है, ये लंबू आदमी इसका प्रोडक्ट निकल गया प्लस रिमाइंडर, और ये जो मल्टीपल है भाई साहब ये मल्टीपल यहीं पर बैठा हुआ है, इसका कुछ फैक्टर ये जो है ये तो इसी का मल्टीपल है, तो खत्म हो गया। तो इसको जब हम लिखेंगे कि कहने को मेरा ये आइडियल लंबा चौड़ा था बट आया क्या, अब बताइएंगे तो फाइनली क्या लिखेंगे इसको। ये जो आइडियल दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा था एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, इसको अब क्या लिखेगा। एनी वन, ये तो रहेगा और क्या लिखेंगे। फाइन एवरीवन विद मी, है ना, आवाज तो आवाज तो सभी को, आर यू विद मी एवरीवन। नहीं है तो बताइए, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई डरने का जरूरत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो ये चीजें पहले कि हाँ सर ठीक है, दिखना चाहिए क्योंकि ये जो क्वांटिटी था वो जो फाइव था वो अपन निकल गया एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स प्लस वन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये भी लिमिट आपके आइडियल में, ये भी लिमिट आपके आइडियल में, तो कॉम्बिनेशंस आइडियल में पांच चला गया, पांच चला गया खत्म। सो डन आ गया पांच, सो दिस आइडियल इज नथिंग बट इसी से क्वेश्चन करना है। तो देखे ऐसा क्वेश्चन डर गए, बिल्कुल इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम चाहे नेट हो गेट हो, चलिए नेट का क्वेश्चन हो गेट एंड गेट में भर देता है आराम से रिलैक्स। अब इसको फाइनली हम लिखेंगे, ठीक है भाई बताओ क्या हो। तो बोले यार मैं तो ये हूँ, अच्छा हाँ ये तो इसके बारे में तो हम लोग क्वेश्चन बता सकते हैं, कोई क्या है किस टाइप का आइडियल है जेड एक्स में, किस टाइप का आइडियल है जेड एक्स में, इज दिस मैक्सिमल एवरीवन इन जेड एक्स, क्यों व्हाई दिस मैक्सिमल दिस पॉलीनोमियल, दिस पॉलीनोमियल हमने बताया था दिस पॉलीनोमियल इज सो वन यू सेड फाइव, कैन यू सी दिस, ये 2 डिग्री का पॉलीनोमियल, इसका कोई जीरो नहीं है जेड फाइव नहीं। एवरीवन आवाज दीजिएगा, जेड एक्स के मैक्सिमल आइडियल्स कैसे होते थे बताया था, रिकॉल कीजिए कैसे होते हैं जेड एक्स के मैक्सिमल आइडियल्स, एनीवन पढ़ाया था ना, बताइए। यस डिग्री मेंटेन होना चाहिए, सो मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ जेड एक्स इज नथिंग बट ऑफ दिस फॉर्म एफ एक्स कॉमा पी, जहां पे कि एफ एक्स जो होगा वो यूजफुल होना चाहिए ओवर जेड पी। साथ ही साथ ये जो डिग्री होगा मतलब ये जो एफ को जब रिड्यूस करेंगे ओवर जेड पी में कोफिशिएंट डिग्री मेंटेन होना चाहिए, डिग्री नहीं चेंज कर दीजिएगा। अभी पढ़ाई में अपना दीज आर द मैक्सिमम आइडियल्स एंड दीज आर ऑल आ गए, ये फील्ड हो गया। बट ये फाइनाइट नेट के बारे में भी पूछा है तो थोड़ा डिटेलिंग हो जाएंगे, आप कोशिश कर रहे हैं थर्ड ऐसा मॉडल लगाएंगे तो जेड फाइव आ जाएगा, कैसे आ जाएगा ये बताएंगे कोई। हेलो यस यस बताइए, एंड दिस इज रिड्यूसिबल, यहाँ का एलिमेंट कैसा आएगा, ए प्लस बी एक्स प्लस आई जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। हेलो ये आया था कैसे आएगा, ये जेड फाइव कैसा आया, हाँ जी बताइए बताइए बोलिए। हाँ
तो इस आइडियल में 5 अब 0, इस रिंग में 5 का मल्टीपल 0, तो बस जेड फाइव का पहले क्वांटिटी का सेट था और कुछ नहीं, जेड फाइव का काम होगा। डन, ये आ गया आपका 1 + g(x) + 10। और इसका कैसा एलिमेंट होगा, कोशेंट r+i, r कोई इंटीजर पॉलीनोमियल होगा, तो उस इंटीजर पॉलीनोमियल को चूंकि मोनिक है इसे हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो 1 डिग्री का मैक्सिमम, 1 डिग्री या कॉन्स्टेंट a+b। ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया, कितना चॉइस है, 5 और 5, सो 25। दिस इज अ फील्ड, सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ फील्ड ऑफ ऑर्डर 25, ठीक है, 25 ऑर्डर का फील्ड हम उम्मीद है। आगे जाकर हम फील्ड में पढ़ेंगे कि किस टाइप का ऑर्डर का हमें फील्ड, कोई भी प्राइम दीजिए, कोई भी एन दीजिए, p^n ऑर्डर का हमें फील्ड मिलेगा। और देखिए वो दिख रहा है, वो दिख भी रहा है हम लोगों को, इज दैट क्लियर है ना, आवाज दीजिए, समझे कि नहीं समझे, सभी को नहीं आई ना, आवाज देते रहने का सीन नहीं। सो दिस इज अ फील्ड, ए इंटीग्रल डोमेन, यो फाइनाइट रिंग, यो फील्ड, यो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू रिंग्स, बिल्कुल नहीं, ये तो सिंगल रिंग है ना, कहां से दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू रिंग्स। क्लियर हुआ सभी को, हम जाओ जल्दी बन आवाज में, तभी तो हेलो क्लियर हुआ कि नहीं, भाई भाई समझ में आया सबको, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए।